जो सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 था उसका वायरलेस चार्जर ख़राब हो गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं वीडियो शूट कर सकूं, और वैसे भी मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है अभी। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको एक और न्यू वीडियो दूँ। बाकी ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली मेरे पास में जो सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 था उसका वायरलेस चार्जर ख़राब हो गया है, और ख़राब हो गया था वायरलेस चार्जर तो मुझे काफ़ी परेशानी हुई। मैंने ऑनलाइन काफ़ी जगह से परचेज़ किया, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, अदर भी वेबसाइट थी, लेकिन वॉच के साथ वो चार्जर कंपेटेबल नहीं थे। मतलब वॉच ओवर हीट हो रही थी, या बार बार कट हो रहा था, या चार्जर ओवर हीट हो रहा था, तो मतलब उससे प्रॉब्लम थी। तो उसी का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे देखा। तो मुझे एक कंपनी मिली, वो हैदराबाद बेसिस कंपनी है, तो ZTEL के नाम से उनका ब्रांड, मतलब वो सेल करते हैं। चार्जर परचेज़ किया था वो उनके वेबसाइट से ही किया था। 700 रुपीज़ मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था और 72 आवर्स में मुझे चार्जर रिसीव हो गया था। ब्लू डार्ट से उनका कोरियर आया था, काफ़ी फास्ट था। सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 का यही वो वॉच है, इसी के लिए इतनी परेशानी हुई है मुझे। और अब जो मैंने चार्जर लिया है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट काम कर रहा है। मतलब मुझे ये एहसास नहीं हो रहा है कि वो चार्जर एक लोकल ब्रांड का है। मतलब कह सकते हैं कि लोकल तो मैं उसको नहीं बोलूँगा, अच्छी क्वालिटी का चार्जर है, बट फिर भी लोकल चार्जर है। बट उसकी कंपेटिबिलिटी इसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आपको एहसास नहीं होगा कि वो सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर नहीं है, और ये ZTEL का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मुझे उनका सर्विस अच्छा लगा, मैं इसीलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। जैसा कि आप मेरे चैनल के बारे में जानते हैं, पहले मैं प्रोडक्ट खुद यूज़ करता हूँ, उसके बाद ही आपको सजेस्ट करता हूँ आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो आप आगे देखिए, ZTEL के बारे में मैंने काफ़ी जानकारी दी है। तो यह है हमारा ZTEL का बॉक्स, इस बॉक्स में ही वो चार्जर आया था। तो इसको काफ़ी टाइम हो गया था मेरे बैग में पड़े हुए, तो इसलिए थोड़ा ये ऐसा दिख रहा है, बाकी फ्रेश था जब आया था वहाँ से, ब्लू डार्ट से उन्होंने पार्सल किया था। और हाँ, ये ZTEL वाले आपको जैसे कि मोबाइल की एसेसरी भी देते हैं, और बर्ड्स की भी एसेसरी देते हैं, चार्जर देते हैं, वॉच चार्जर, मोबाइल चार्जर भी आई थिंक सेल करते हैं। तो वो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर के एक बार देख लेना, मतलब अच्छी क्वालिटी का आपको इसमें प्रोडक्ट मिलेगा, कोई चीप क्वालिटी नहीं होगी। बाकी मैं आपको एक बार चार्जर दिखा देता हूँ, चार्जर हमारा कैसा दिखता है। ये है हमारा चार्जर। तो इसकी अगर आप वायर को देखेंगे, ये केबल जो दी हुई है इसमें, ये अच्छी क्वालिटी का केबल है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल होता है, चीप क्वालिटी हाथ में लेने से पता चल जाता है कि कैसी क्वालिटी होगी, तो ये चीप नहीं है, अच्छी क्वालिटी का है, लॉन्ग टाइम चलने वाला है। बाकी एक बार मैं पीछे से भी आपको दिखाता हूँ, ये 5 वोल्ट 1 एम्पियर का चार्जर है, और ये है हमारा इसका दूसरा साइड USB वाला। और अब मैं आपको एक बार लगा करके भी दिखा देता हूँ। तो ये मेरा बोट वाला चार्जर, इसका भी वीडियो आपने देखा होगा, ये 65 वोल्ट वाला चार्जर है, गैन चार्जर, और ये 2 ईयर्स वारंटी में आता है जो हमारा बोट वाला चार्जर है। अब मैं आपको वॉच रख के दिखा देता हूँ, ये देखिए, मतलब इसकी कंपेटिबिलिटी इतनी अच्छी है सैमसंग वॉच के साथ में कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल चार्जर से चार्ज हो रही है, लोकल चार्जर से चार्ज हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने मार्केट से और ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी परचेज़ किए थे, बट वो इस वॉच के साथ में कंफर्टेबल नहीं थे। कभी वॉच ओवरहीट हो रही थी, कभी चार्जर ओवरहीट हो रहा था, कभी कट मार रहा था चार्जर, बार बार चार्ज कर रहा था फिर कट मार रहा था। मतलब कह सकते हैं कि वो सेल तो कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन वो कंपेटिबिलिटी नहीं है इस वॉच के साथ में। ये चार्जर यदि आप परचेज़ करेंगे तो आपको एहसास नहीं होगा कि सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर नहीं है। इसका जो चार्जिंग टाइम है वो बिल्कुल सेम है जो ओरिजिनल चार्जर का है, ये मैंने नोट किया था, और ये एक्यूरेट है बिल्कुल। क्योंकि जो लोकल चार्जर थे वो जब हीट हो रहे हैं बार बार, जितना ज़्यादा हीट करेगा चार्जर उतना ही लेट वॉच चार्ज होगी, तो इसमें कुछ नहीं है, ना मेरी वॉच हीट होती है ना ये चार्जर हीट होता है, बहुत ही नॉर्मल जो कि एक्चुअल होना चाहिए वायरलेस चार्जर के साथ में वो है। बाकी देखो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि डेफिनेटली ये जो ब्रांड सेल कर रही है, ZTEL जो ये सेल कर रहे हैं, ये अच्छी क्वालिटी सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है चीपेस्ट क्वालिटी है। ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने ब्रदर के साथ में ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि देखो
मार्केट में मैं परेशान हो चुका हूँ, आप परेशान ना हो इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।